गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 पीएलएम, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है 1935 भारतीय शासन अधिनियम। इससे पिछले वीडियो में हमने 1919 भारतीय शासन अधिनियम की विशेषताएं तथा दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम 1935 भारतीय शासन अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 1919 के सुधार अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं हो पाए थे, अतः राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक तीव्र होता चला गया। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है, परंतु मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था, जिसमें सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई थी, जिसका गांधी जी ने घोर विरोध भी किया था। 1932 में पूना में कांग्रेस व अंबेडकर के मध्य एक समझौता किया गया था। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव प्रकाशित किए गए जो कि श्वेत पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्वेत पत्र प्रकाशित होने के बाद संसद के दोनों सदनों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही 1935 का अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कि 451 धाराएं थी और 15 सूचियां सम्मिलित थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रही थी। आइए हम देखते हैं 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, नंबर एक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघ शासन स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नंबर एक पर है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघ शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघ शासन स्थापित करने का प्रावधान प्रस्ताव पारित किया गया था। संघों में प्रांतों को आवश्यक रूप में सम्मिलित होना था।
परंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस योजना का भी भारत में घोर विरोध किया गया, अतः यह घोषणा मात्र कागजों पर ही रही थी, जिसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका था। नंबर दो है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर स्वायत्त शासन या प्रांतीय इसी प्रकार 1935 भारतीय शासन अधिनियम की जो तीसरी विशेषता थी वह थी प्रांत से द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर इसे केंद्र में लागू किया गया। इसी प्रकार चार नंबर जो विशेषता है, अनेक आरक्षणों व संरक्षणों की व्यवस्था द्वारा प्रांतीय स्वराज्य एवं द्वैत शासन पर प्रतिबंध लगाए गए। प्रांतीय स्वराज्य एवं द्वैत शासन पर प्रतिबंध लगाए गए। अनेक आरक्षणों व संरक्षणों की व्यवस्था के द्वारा प्रांतीय स्वराज्य एवं द्वैत शासन पर प्रतिबंध लगाए गए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में गवर्नर बहुत से कार्य मंत्रियों के परामर्श के बिना ही अपने विवेक के आधार पर कार्य कर सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार पांच नंबर विशेषता है, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, परंतु यह अभी भी भारत का अंतिम न्यायालय नहीं था।
परंतु यह अभी भी भारत का अंतिम न्यायालय नहीं था। इसी प्रकार 6 नंबर विशेषता है, केंद्र व प्रांतों में विषय के विभाजन के लिए केंद्र व प्रांतों में विषय के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई। जिनमें नंबर 1 है संघीय सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। नंबर 1 संघीय सूची, नंबर 2 प्रांतीय सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। केंद्र व प्रांतों में विषय के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई थी। नंबर 1 संघीय सूची, जिसमें संघीय सरकार के 59 विषय रखे गए। प्रांतीय सूची, जिसमें प्रांतीय हित के 54 विषय रखे गए थे। इसी प्रकार समवर्ती सूची, जिसमें कि 36 विषय रखे गए, जिन पर केंद्र व प्रांत दोनों ही कानून बना सकते थे, किंतु विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। इसी प्रकार 7 नंबर विशेषता जो है, इस अधिनियम के द्वारा लंदन स्थित भारत मंत्री की भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 7 नंबर है, इस अधिनियम के द्वारा लंदन स्थित भारत मंत्री इस अधिनियम के द्वारा लंदन स्थित भारत मंत्री इस प्रकार भारतीय शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रही थी। तो आइए हम देखते हैं 1935 अधिनियम की महत्ता क्या थी। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1935 का अधिनियम संवैधानिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम रहा था। प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना इस अधिनियम का क्रांतिकारी व सराहनीय कदम था। इस अधिनियम के द्वारा ही नवीन संविधान लागू होने तक भारत का शासन चलता रहा था। इस अधिनियम की महत्ता इस बात से और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि इस अधिनियम के अनेक प्रावधानों को नए संविधान में ज्यों का त्यों नई शब्दावली के साथ ही रखा गया था। तो आइए हम देखते हैं 1935 भारतीय शासन अधिनियम के क्या दोष रहे, क्या इसमें कमियां थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रथम दोष था, नंबर एक यह अविश्वास पर आधारित अधिनियम था। क्योंकि इसमें आरक्षण एवं संरक्षण की व्यवस्था कर समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल व गवर्नरों को प्रदान कर दी गई थी। ये लोग निरंकुश थे। इस अधिनियम के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, यह अधिनियम उस मोटर के समान है जिसमें केवल ब्रेक है, इंजन तो है ही नहीं। उन्होंने इस एक्ट को दास्ता का नया चार्टर भी कहा था। तो इस प्रकार 1935 का भारतीय शासन अधिनियम अविश्वास पर आधारित एक अधिनियम सिद्ध हुआ था। नंबर दो, संघीय शासन दोषपूर्ण था। संघीय शासन दोषपूर्ण था। नंबर दो है, संघीय शासन दोषपूर्ण था। संघ में प्रांतों का मिलना तो आवश्यक था, किंतु रियासतों का उनकी इच्छा पर निर्भर था। रियासतों को संघीय विधानमंडल में पक्षपात कर अधिक सीटें दी गई थी, जो कि अनुचित था। रियासतों के प्रतिनिधि नरेशों के द्वारा नामजद किए जाते थे। जबकि प्रांतों से निर्वाचित होते थे, अतः दोनों में तालमेल संभव ही नहीं था। संघीय शासन दोषपूर्ण था। संघ में प्रांतों का मिलना तो आवश्यक था, किंतु रियासतों का उनकी इच्छा पर निर्भर था। रियासतों को संघीय विधानमंडल में पक्षपात कर अधिक सीटें प्रदान की गई, जो कि अनुचित थी। रियासतों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा नामजद किए जाते थे, जबकि प्रांतों में ये निर्वाचित थे, अतः दोनों में तालमेल संभव नहीं था। तीसरा दोष था, संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। चार नंबर दोष है, भारतीयों द्वारा निर्दित की गई सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को इस अधिनियम द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारतीयों द्वारा निंदित की गई सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को इस अधिनियम द्वारा और अधिक विस्तृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा और अधिक विस्तृत किया है।
पांचवा दोष जो था इसका 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः असफल नहीं थी, किंतु इसके बाद भी 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। इसी प्रकार नेक्स्ट है, इस अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनैतिक प्रगति का कोई प्रावधान ही नहीं था। इस अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई प्रावधान नहीं था। राजनीतिक प्रगति का कोई प्रावधान नहीं था। इस अधिनियम में भारतीयों को आत्म निर्णय का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। इस अधिनियम में भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई प्रांतीय स्वायत्तता वास्तविक नहीं थी, क्योंकि गवर्नर को प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक शक्तियां प्राप्त थी। अनेक कार्य वह अपने विवेक के आधार पर मंत्रियों से बिना सलाह के भी कर सकता था। इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई प्रांतीय स्वायत्तता वास्तविक नहीं थी, क्योंकि गवर्नर को प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक शक्तियां प्राप्त थी। अनेक कार्य वह अपने विवेक के आधार पर मंत्रियों से बिना सलाह के लिए भी कार्य कर सकता था। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है 1935 भारतीय शासन अधिनियम के प्रावधान, इसके महत्ता दोष यहीं समाप्त होते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।